हेलो दोस्तों, मैं हूं तुषार साहू एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, जैसे कि आप अभी देख रहे हैं, हमारे पास में मारुति सुजुकी अर्टिगा कार है और यहां आप देखेंगे अर्टिगा ZDI वेरिएंट है, टॉप वेरिएंट गाड़ी है। और इस गाड़ी के अंदर भाई लगाने वाले हैं 9 इंच का एंड्रॉयड सिस्टम, तो वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा। यहाँ आप देखिएगा ये फ्रेम के साथ में हमारे पास में Alpha 1 कंपनी का 9 इंच एंड्रॉयड सिस्टम है, जो कि यहाँ पर अर्टिगा गाड़ी के डैशबोर्ड पर अभी इंस्टॉल होने वाला है। जो कंपनी से हमें मिला था ये डबल डिन का सिस्टम, उसे रिप्लेस करके हटा कर यहाँ पर लगाया जा रहा है 9 इंच का फुल एंड्रॉयड स्टो सिस्टम। इसकी क्वालिटी और फंक्शन फीचर्स सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को आप आखिर तक देखिए। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि किस कंपनी का मिलता है। तो यहाँ देखिए Alpha 1 कंपनी है, 9 इंच का एंड्रॉयड स्टो सिस्टम ये कहलाता है और फुल HD क्वालिटी के साथ में आपको मिलता है। इसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है। फीचर्स फंक्शंस की बात करें तो रिवर्स पार्किंग कैमरा अटैच हो जाता है, साथ में स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल्स भी इसके साथ में अटैच हो जाता है और फुल एंड्रॉयड का मज़ा आप इससे ले सकते हैं। तो ये देखिए बॉक्स की जो क्वालिटी बढ़िया है, ब्लैक कलर का आपको मिलता है और बढ़िया क्वालिटी का ये प्रोडक्ट है। ये हर गाड़ी के लिए आपको मिल जाता है। यदि आपके पास बुलेरो है, स्विफ्ट है या वैगनार है, कोई भी गाड़ी हो, तो भाई उसके लिए प्रॉपर ये मिल जाता है। अभी आप देखेंगे हमारे पास में स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल, तो यहाँ देखिए ये भी इसके साथ में वर्क कर रहा है। आप यहाँ पर देखिए क्लिक करने पे वॉल्यूम अप डाउन हो रहा है, चैनल भी इसमें चेंज हो जाते हैं, तो प्रॉपर ये चीज़ है भाई। और यदि आपको ये चाहिए तो बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर मैंने शेयर किया, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये हम आपको होम डिलीवर करा देंगे। चलिए अभी इसकी फिटिंग की बात करेंगे। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कपलर टू कपलर फिटिंग, आपके कंपनी के वायर्स को कोई कट नहीं किया गया है, सारा कपलर टू कपलर इसमें कनेक्शन किया गया है, तो कंपनी की वारंटी लैप्स वगैरह आपका होगा नहीं। यहाँ पर इसका इंस्टॉलेशन बढ़िया तरीके से हो गया है, सारी वायरिंग्स डाल ली है। कंपनी के ही 4 स्पीकर्स इसमें लगे हुए थे, वो ऑलरेडी इसके साथ में कनेक्शन दिया गया है। इसमें आप देख पाएंगे रिवर्स सेंसर भी लगाया गया है, GPS भी इसके अंदर लगाया गया है, तो फुल इसको बनाया गया है भाई सिस्टम को। तो यहाँ देखिए पूरा इंस्टॉलेशन हो चुका है डैशबोर्ड में। इसकी क्वालिटी देखिए एकदम प्रॉपर ये फिक्स हुआ है भाई अर्टिगा गाड़ी के अंदर। तो बिल्कुल यदि आपके पास में पुरानी अर्टिगा गाड़ी है या फिर नई वाली आपने परचेज़ की है तो उसमें आप लगा सकते हैं। यहाँ देखिए 2 USB पेन ड्राइव लगाने के लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है, ऑक्स केबल का सपोर्ट मिल जाता है, ब्लूटूथ वाईफाई का सपोर्ट मिल जाता है। चलिए इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। पहले टच की बात करेंगे, तो टच देखिए कितना ज़्यादा स्मूथ है। जैसे ही आप इस पर टच करते हैं इसका आपको फंक्शन करते हुए मिल जाता है, स्मूथ टच है, कैप्टिव टच आपको मिल जाता है। सेटिंग्स की बात करें तो पूरी गाड़ी की सेटिंग्स आपको इसके अंदर मिल जाती है। आप साउंड सेटिंग कर सकते हैं, सिस्टम सेटिंग कर सकते हैं, फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, कार सेटिंग कर सकते हैं, सारी सेटिंग्स आपको इसके अंदर दी गई है। तो ये बढ़िया चीज़ है, किसी गाड़ी से रिलेटेड आपको सारी सेटिंग एक सिस्टम के थ्रू मिल जाती है, तो बहुत बढ़िया है। यहाँ आप देखिए आप अपने 4 स्पीकर्स को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, लेफ़्ट राइट और रियर साइड के लेफ्ट राइट आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि कौन सा स्पीकर चल रहा है और कौन सा नहीं चल रहा है। तो ये सारी सेटिंग्स आपको इस एंड्रॉयड स्टो सिस्टम के साथ में भाई मिल जाती हैं, तो ये बढ़िया चीज़ है। इसके अलावा देखिए हमारे पास में मोबाइल फ़ोन से हम लोग ब्लूटूथ से इसे कनेक्ट कर लिया है, ब्लूटूथ से आप गाने प्ले कर सकते हैं, अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन करके इसके अंदर वाईफाई देकर इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिस तरीके से आप अपना एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन चलाते हैं सेम एज इट इज़ उसी तरीके से आप इसे चला सकते हैं। स्टोरेज की बात करेंगे तो 1+16 GB का ये वेरियंट है, 1 GB+16 GB आपको स्टोरेज कैपेसिटी इसके अंदर मिल जाती है। यहाँ आप देखेंगे तो ये जो सिस्टम है कुछ इस तरीके से आपको म्यूज़िक डिस्प्ले इसमें दिया जाता है। चलिए इसके अंदर हम लोग डालते हैं हमारे जो हॉटस्पॉट ऑन किया है उसका वाईफाई का पासवर्ड, और पासवर्ड डालने के बाद देखिए ये हमारा वाईफाई यहाँ पर कनेक्ट हो गया। तो मतलब अब हम इसके अंदर इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको इसका जो मेन्यू इस तरीके से मिल जाता है, आप देख पाएंगे इसके अंदर नेविगेशंस वगैरह मिल जाता है, गूगल मैप का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यूट्यूब इस्तेमाल कर सकते हैं, रेडियो इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो भी आपकी मनपसंदीदा ऐप है, एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप इसे इंस्टॉल करके उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ये सारे फीचर्स फंक्शन आपको एक एंड्रॉयड सिस्टम के साथ में मिल जाता है, जो कि 9 इंच का है और चीपेस्ट रेट में आपको मैं प्रोवाइड करवा दूँगा। यदि आपको ये चाहिए तो बिल्कुल मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया, मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ आप देखिए रेडियो के लिए कुछ इस तरीके से आपको नेविगेशन मिल जाता है। साथ में हम लोग बात करेंगे तो देखिए ड्रॉप डाउन करने पे यहाँ पर सारे जिस तरीके से एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन के अंदर फीचर्स मिलते हैं सेम वैसे आपको मिल जाते हैं। कार सेटिंग की बात करेंगे तो कार सेटिंग इसके अंदर दी गई है, हैंड्स फ्री कॉलिंग की सेटिंग दी गई है। यहाँ पर देखिए फाइल मैनेजर, इंटरनल स्टोरेज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है और लुक वाइज बहुत बढ़िया। मिरर लिंकिंग की फैसिलिटी भी भाई इसके अंदर मिल जाती है। देखिए मैं आपको बताता हूँ टीमा ये मिरर लिंकिंग, तो यहाँ पर देखिए मिरर लिंकिंग, एंड्रॉयड वाईफाई आप यूज़ कर सकते हैं, आईफोन वाईफाई भी यूज़ कर सकते हैं, एंड्रॉयड USB मतलब एप्पल कार के लिए भी ये यूज़फुल है, एंड्रॉयड
मोबाइल फ़ोन के लिए भी यूज़फुल है। तो बढ़िया चीज़ है भाई, मिरर लिंकिंग भी इसके अंदर मिल जाती है, तो बढ़िया प्रोडक्ट है। आपको यदि ये चाहिए तो बिल्कुल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी देखिए हम लोग यूट्यूब इस पर चलाएंगे, यूट्यूब चलाने के बाद में इसका जो HD क्वालिटी का वीडियो वो भी मैं आपको अभी चालू करके बताता हूँ। तो वीडियो को आप भाई आखिरी तक देखिएगा। यहाँ पर हम देखेंगे तो ये गूगल क्रोम हम लोगों ने ऑन किया, गूगल क्रोम ब्राउज़र, और इसके अंदर चालू करेंगे यूट्यूब। डायरेक्ट यूट्यूब एप्लीकेशन से भी कर सकते हैं। अभी आप देख पाएंगे इसका रिवर्स पार्किंग जो कैमरा हम लोग ने इंस्टॉल किया है उसका HD व्यू आप देख पाएंगे, फुल HD व्यू आपको मिल जाता है। ये नॉर्मल कैमरा लगाया गया है, यदि आप चाहे तो मूवेबल कैमरा भी आता है वो भी लगा सकते हैं, जिसे OEM कैमरा कहा जाता है, तो वो मूवेबल कैमरा कहलाता है, वो भी बढ़िया होता है, आप उसको भी लगवा सकते हैं। या सिंपल LED नाइट विजन कैमरा भी आप अपनी गाड़ी के अंदर इंस्टॉल करवा सकते हैं। तो देखिए इसका HD व्यू भी आपको देखने को मिल जाता है। चलिए यूट्यूब हम लोगों ने ऑन कर लिया है। यूट्यूब में ऑन करने के बाद में चलिए अब देखते हैं HD क्वालिटी का एक कोई वीडियो, और उसके बाद में इस गाड़ी के अंदर जो स्पीकर्स लगाया है उसके लिए आउटपुट आपको किस तरीके से ये डिस्प्ले देता है वो भी आपको बता देता हूँ। तो इसका जो इक्वलाइज़र है बहुत बढ़िया है, सभी स्पीकर्स के लिए ये बहुत बढ़िया आउटपुट देता है, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो यहाँ आप देख पाएंगे ये हमारा वीडियो का जो अभी ब्राइटनेस थोड़ी कम है इसलिए आपका ऐसा लग रहा है, लेकिन बढ़िया क्वालिटी है, पॉलीथीन हम लोगों ने निकाली नहीं है अब इसकी, तो ये वीडियो क्वालिटी आपको इस तरीके से देखने को मिल जाती है। इसके बाद में भाई आप लगा लीजिए अपने कानों में हेडफोन और सुनिए इन इस गाड़ी के चारों स्पीकर्स के साउंड टेस्ट के किस तरीके से आपको आउटपुट में मिलता है। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों जैसे कि आपने अभी देखा हमारी अर्टिगा गाड़ी का फुल एंड्रॉइड सिस्टम का इंस्टॉलेशन हो गया और सारे फीचर्स फंक्शन मैंने आपको बता दिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये सिस्टम कैसा लगा, कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद जय भारत।